गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कुलदीप कुमार और आप शुरू कर चुके हैं हमारा लाइव टेलीकास्ट देखने में। तो आज ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो सवाल थे कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी हम कहीं भी किसी से भी मिलते हैं, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, सीनियर टीचर से, जूनियर टीचर से, या फिर स्टूडेंट्स जो नए हैं, पुराने हैं, रिलेटिव से भी हम जब मिलते हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन को हम दो तरीके से लेते हैं, एक होगा फॉर्मल इंट्रोडक्शन और एक होगा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। जो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो हम हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं, पर बात आती है जब जॉब लेने की, तो उस समय हमें फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो जब क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर होता है ब्रीफ योरसेल्फ, दूसरा हो सकता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और तीसरा हो सकता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब एक ही होता है, चाहे आप अपने आप का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए, अपने आप को ब्रीफ कर दीजिए। तो क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। सपोज करिए यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड एन इंटरव्यूअर आस्क यू दिस क्वेश्चन, देन वी विल गिव द रिप्लाई इन वेरी फॉर्मल वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ टू ग्रीट द पीपल। सो फर्स्ट स्टेप विल बी ग्रीटिंग। सो आई विल राइट डाउन all the steps simultaneously. The first one is greeting. We will greet people. So greeting may be two types. The first one is formal greeting and second will be informal greeting. So how will we greet in formal way? Let's see. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग द बेस्ट वे है ग्रीटिंग का, कि जब भी आप लोगों से मिले तो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। इसके साथ साथ यदि आप अप टू डेट टाइमिंग के हिसाब से ग्रीटिंग्स करना चाहते हैं, यदि आप दोपहर में मिलते हैं तो कह सकते हैं गुड नून, और इवनिंग में मिलते हैं तो आप कह सकते हैं गुड इवनिंग, आफ्टरनून में मिलेंगे तो क्या कहेंगे गुड आफ्टरनून, और जब आप इवनिंग में मिलेंगे तो बोलेंगे गुड इवनिंग। ये सबसे अच्छा तरीका है लोगों को ग्रीट करने का। अब एक बार मेरे साथ आप बोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून। सामने वाले का जवाब क्या रहेगा वो डिपेंड करता है। तो सामने वाले ज्यादातर कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, तो आपको हमेशा क्या करना है, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एंड देयर मस्ट बी स्माइल ऑन योर फेस व्हाइल ग्रीटिंग समबडी। दिस इज अ फॉर्मल ग्रीटिंग। ये सारे के सारे क्या कहलाती है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनके अलावा आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होगा, हाय, हेलो, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट्सअप, क्या क्या कह सकते हैं, हाय, हेलो, व्हाट्सअप। साथ साथ आप उनके हालचाल भी पूछ सकते हैं, हाउ आर यू, बट ये इंटरव्यू के समय नहीं पूछना है। इंटरव्यू के समय ध्यान रखना है आपको ग्रीट करना है लोगों को गुड मॉर्निंग, और अपने फ्रेंड से आप पूछ सकते हैं हाय, हेलो, व्हाट्सअप, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। इस तरीके से हम ग्रीटिंग करेंगे। चलो फिर बात करते हैं अपना नेम। अगला सेगमेंट ग्रीटिंग के बाद क्या आता है, नेम। आपको अपना नेम बताना है। सबसे बेस्ट वे है माय नेम इज, और अपना फुल नेम, माय नेम इज कुलदीप,
कुमार कुमावत सरनेम के साथ मेरा पूरा नाम जाएगा, ताकि इंटरव्यूअर को ज्यादा दिक्कत नहीं हो आप कौन है किस तरीके के हैं ये जानने में। सो आप बताएंगे, माय नेम इज कुलदीप कुमार कुमावत। वेल, यहां एक और तरीका हो सकता है, इट इज कुलदीप कुमार कुमावत। अब आप इट इज दिस इज भी कह सकते हैं, दिस इज कुलदीप कुमार कुमावत। ज्यादातर लोग एक और तरीका लेते हैं, माई सेल्फ। ये वाला थोड़ा मैं रॉन्ग बताऊंगा कि लोग ये भी कहते हैं माई सेल्फ। यदि आप फॉर्मल इंटरव्यू के लिए गए हैं और ग्रामेटिकली सामने वाला थोड़ा अच्छा है तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि माई सेल्फ के बाद में हम अपना नेम नहीं बता सकते। तो यहां पे कहूंगा माई सेल्फ वाला आप अवॉइड करें। तो बेस्ट वे क्या हुआ अपना नाम बताने का, माई नेम इज कुलदीप कुमार। एक और इजी तरीका है, आई एम कुलदीप कुमार। पर कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप आई एम कुलदीप कहने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आदमी में प्राउड है, ईगो है कि मैं ही कुलदीप हूं, दुनिया में कोई कुलदीप नहीं है। तो आप आराम से कह सकते हैं माई नेम इज कुलदीप कुमार कुमावत। सो दिस इज द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस yourself and tell your name। introduction के बाद में जो चीज आती है वो आता है about your belongings, means about your native place, where are you from। so next topic हम लेते हैं, yes third topic क्या रहा, place। आपको place बताना है, सबसे easy तरीका है I am from। क्या कहेंगे, आई एम फ्रॉम, और फिर अपना पूरा विलेज का एड्रेस, जहां से आप है जिस सिटी से आप है। आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम सीकर, आई एम फ्रॉम देहरादून। बड़ा क्लियरली आपको बताना है। इसके साथ ये भी कह सकते हैं आई बिलोंग टू। तो ये प्लेस हो गया, आई एम फ्रॉम ये भी बता सकते हैं। अब ये जरूर ध्यान रखना है, यदि आपका इंटरव्यू उसी सिटी में है जहां से आप हैं तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम सीकर इटसेल्फ, कि मैं भी सीकर से ही हूं, मींस मैं सीकर से ही हूं। सो आई एम फ्रॉम सीकर इटसेल्फ, ऐसे कहेंगे आई बिलोंग टू सीकर। तो ये तरीका आपका प्लेस बताने का रहेगा। तो हमने क्या क्या बता दिया, सबसे पहले हमने ग्रीटिंग करी, ग्रीटिंग के बाद हमने अपना नेम बताया, नेम के बाद में हमने प्लेस बताया। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज अबाउट योर फैमिली। जब भी हम फैमिली के बारे में बताते हैं तो कुछ सेंटेंसेस का हम ध्यान रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम My parents, apart from my parents, इनका मतलब क्या हुआ, मेरे parents के अलावा। I have, अब आपके यदि भाई है और बहन है, जैसे मान लीजिए आपके बड़े भैया है, so I have an elder brother। और एक क्या है आपके यंगर सिस्टर है, एंड, तो आप यहां क्या बोलेंगे, एंड अ यंगर सिस्टर। करना क्या है, आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। यदि आपके दोनों हैं, सपोज करिए या मान लेते हैं कि आपके भाई ही है और वो बड़ा भाई है, तो आप क्या कहेंगे, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स I have an elder brother। और यदि भाई छोटा है तो आप कह सकते हैं a younger brother। ऐसे ही आपके भाई नहीं है, बहन है, तो आप कह सकते हैं I have an
एल्डर सिस्टर और छोटी बहन है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ यंगर सिस्टर, और आपके दोनों ही छोटे हैं तो भी आप लॉजिकली कह सकते हैं आई हैव टू यंगर सिस्टर्स। ऐसे दोनों भाई हैं छोटे हैं तो भी कह सकते हैं आई हैव टू यंगर ब्रदर्स। तो अच्छा क्या है, इन माय फैमिली, ऐड करें इन माय फैमिली, इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर। ऐसा भी कह सकते हैं पर सिस्टर बड़ी है तो पहले बताइए, भाई बड़ा है तो पहले बताइए, और नहीं है तो कह सकते हैं सॉरी आई एम सिंगल सन ऑफ माय पेरेंट्स, ऐसा भी आप कह सकते हैं। दूसरी चीज रही कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं तो आप कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स माय पेरेंट्स आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। और यदि आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से एक ही है, ग्रैंड माँ आपकी दादी है, सो आई हैव अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर आई हैव, तो आप ऐड कर सकते हैं ग्रैंड फादर है तो भी आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू टेल अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। एंड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग अबाउट योर पेरेंट देन कह सकते हैं माय फादर इज अ डॉक्टर, यदि है तो आप डॉक्टर बता दीजिए, टीचर हैं तो आप टीचर बता दीजिए, माय फादर इज अ कॉन्ट्रैक्टर, यदि आपके पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं तो बड़े आराम से बताइए। और अपनी मम्मी के बारे में बताना है, आपकी मम्मी जो भी हैं टीचर हैं तो बोलेंगे माय मदर इज अ टीचर, और टीचर नहीं है तो इनके लिए सबसे अच्छा है होम मेकर, माय मदर इज अ होम मेकर, मेरी माता जी एक होम मेकर है। तो ये है अबाउट योर फैमिली। सो बड़े ध्यान से, और मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा कि इसकी प्रैक्टिस आप एक बार दो बार तीन बार जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस स्टेटमेंट के बाद में आती है आपकी क्वालिफिकेशन। मान लीजिए आप अभी स्टडी कर रहे हैं, छोटे स्टूडेंट हैं आप, बिलो 10th हैं या बिलो 12th है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत इजीली दे सकते हैं। आई एम इन, क्या कहेंगे, आई एम इन क्लास 9, क्या कहेंगे, आई एम इन क्लास 9। यदि आप 10 में हैं तो आप कहेंगे आई एम इन क्लास 10, और यदि आप 12 में हैं तो बोलेंगे आई एम इन क्लास 12। तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कभी कभार यहां हमसे गलती हो जाती है आई एम इन क्लास 9th, तो ये गलत है, आई एम इन क्लास 9th, सही है। तो इस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। ये चीज इस तरीके से भी आप कह सकते हैं आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, यहां आपको क्या करना है, ये टीएच लगाना है पर यहां नहीं लगाना है, यहां गलत हो जाएगा यहां सही रहेगा, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। तो बोलते समय इन दो चीजों का ध्यान रखें, क्या कहेंगे, आई एम इन क्लास 10, आई एम इन क्लास 12, आई एम इन क्लास 9, और यदि ऐसा बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से आप बताइए आई एम अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का मतलब आपने जो पास वाला था 10+2+3, यदि आपने ये कर लिया है तो क्या कहलाएंगे, आई एम अ ग्रेजुएट, या फिर आपने और 2 कर लिया है पोस्ट ग्रेजुएट, तो क्या कह रहे हैं आई एम अ ग्रेजुएट, या फिर आप कह सकते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। अब आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इसमें कर रहे हैं उसका भी नाम साथ ही ऐड कर सकते हैं, आई एम अ ग्रेजुएट इन, या फिर बोलेंगे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन। अब आप कॉमर्स में हैं, आर्ट्स में हैं, साइंस में हैं तो आप कह सकते हैं ग्रेजुएट इन कॉमर्स, ग्रेजुएट इन साइंस, ग्रेजुएट इन आर्ट्स, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं ग्रेजुएशन कॉमर्स। यदि आपने कोई और टेक्निकल कोर्सेज किए लाइक बीटेक, आई एम ग्रेजुएट, इस तरह से कर सकते हैं। फिर भी यदि आपका कोई काम कंटिन्यू चल रहा है कि आपने क्लासेस वगैरह नहीं करी है और कंटिन्यू चल रहा है तो आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग, क्या बोलेंगे, आई एम परसुइंग। ये परसु का मतलब होता है
आपका कोर्स कंटिन्यू चल रहा है। जैसे आप मेरे यहां से स्पोकन कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम डीटीए, तो ये चीज आप कह सकते हैं। सो जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, आई एम परसुइंग बीए पार्ट सेकेंड। ये सारी चीजें आप अपने क्वालिफिकेशन में बता सकते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको लोगों को ग्रीट करना है, ग्रीट के बाद में आपको बताना है अपना नेम, नेम के बाद में बताना आपको प्लेस, प्लेस के बाद में बताना है अबाउट फैमिली, आफ्टर फैमिली यू विल टेल अबाउट क्वालिफिकेशन। कॉन्फिडेंट पूरा चेहरा लगना चाहिए, स्माइल चेहरे पे होनी चाहिए और बार बार आप इनको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसके बाद में आपके पास यदि कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन और कोई स्किल हो तो उनका नंबर आता है 6 पे। तो मैं कह सकता हूं क्वालिफिकेशन में क्या करेंगे, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, या फिर आपके पास कोई स्किल हो तो वो स्किल भी आप बता सकते हैं। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात क्या है कि जो स्टूडेंट 10th 12th तक है तो उनके पास ना तो एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है और ना ही कोई एडिशनल स्किल्स होती है, तो वो यहां से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, डोंट वरी। और जिनको एडवांस देखना है वो वीडियो को आगे देखते रहें और उनको अपनी एडवांस स्किल्स और एडवांस क्वालिफिकेशन बतानी है। जैसे आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो आपने डिप्लोमा लिया है, 6 years डिप्लोमा, 2 years डिप्लोमा, 6 months डिप्लोमा, 3 months डिप्लोमा, तो ये चीज आप अपने एडिशनल कोर्सेज में बता सकते हैं। इफ यू आर अ प्लेयर, स्पोर्ट्स प्लेयर, कबड्डी टूर्नामेंट आपने कुछ खेले हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम बताएंगे। डन, क्या कर लिया, आई हैव डन 6 months डिप्लोमा इन कंप्यूटर, तो ये भी हो सकता है आई हैव डन 12 months डिप्लोमा इन कंप्यूटर, या फिर आप कह सकते हैं आई हैव 3 months डिप्लोमा इन कंप्यूटर। नेक्स्ट स्टेप आती है आपके एक्सपीरियंस की। किसकी रहेगी, एक्सपीरियंस की। तो यहां फिर से वही बात होगी, जो स्टूडेंट्स एडवांस स्टूडेंट्स है उन्हीं के पास एक्सपीरियंस होंगे, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप कोई छोटा सा इंटरव्यू अपने टीचर्स वगैरह को दे रहे हैं, 12th क्लास तक आप हैं, तो कह सकते हैं आई एम फ्रेशर। और ये डिग्री डिप्लोमा वाले भी कह सकते हैं आई एम फ्रेशर, आई एम अ फ्रेशर। बिल्कुल आप नॉविस हैं, नए हैं, तो आपने अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो आपने कहा आई एम फ्रेशर। तो ये आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कभी जॉब करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, और आप फर्स्ट ही जॉब के लिए जा रहे हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है और आप एक बार जॉब में हो गए तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो स्टे टॉन्ट एंड स्टे कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू टेल आई एम अ फ्रेशर। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं आई हैव 1 year experience, 2 years experience, 3 years experience, अब किसमें है, इन टीचिंग। जैसे मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग में है, वैसे आपका हो सकता है इन मैनेजरियल स्किल्स, कि आपने कुछ कहीं मैनेजिंग का जॉब किया है, या फिर कह सकते हैं हाउ टू टैकल द पीपल, आई हैव 3 years experience tackling and handling students, तो ये भी आपका हो सकता है experience, तो आपको इस तरीके से बताना है I have 1 year experience, I have 2 years experience, I have 3 experience, अब यदि आपके पास more experience है, then you can add that one also, yes। और यदि आप किसी कंपनी में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे ये काम आपका घर का था तो आपने आगे एक्सपीरियंस नहीं जोड़ा, पर आपको कहीं ना कहीं कोई कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप उसके साथ कह सकते हैं I have 2 years experience in teaching with, और उस इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं कि आई हैव 3 years एक्सपीरियंस टीचिंग इन टीचिंग विथ ड्रीम टच एकेडमी। सो आप शॉर्ट में ये चीज भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। व्हाइल टेलिंग एक्सपीरियंस यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। एक्सपीरियंस के जस्ट तुरंत बाद हमें बतानी होती है अपनी हॉबीज।
तो हॉबीज के लिए मैं ऐड सेगमेंट यहां ऐड कर देता हूं हॉबी। हॉबी अपने इंटरेस्ट होते हैं और इंटरेस्ट का हमेशा ध्यान रखें, आप जो जॉब लेने जा रहे हैं उसका रिलेशन इसके साथ होना जरूरी है। यदि आप कंप्यूटर एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं और आपकी हॉबी कहीं और है तो मुझे लग रहा है कि आपको कंप्यूटर वाले जॉब में वरीयता नहीं दी जाएगी। हो सकता है आप वॉचमैन का जॉब लेने के लिए जा रहे हैं और स्लीपिंग आपकी हॉबी हो तो आप मारे जाओगे। तो आपकी हॉबी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कोरिलेंस रखे जॉब के साथ। तो जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं हॉबीज आप सेट कर सकते हैं। आपकी एक हॉबी है तो बता सकते हैं माई हॉबी इज, क्या कहेंगे, माई इज। अब आपकी लिसनिंग हॉबी है वो भी क्या, म्यूजिक। माई हॉबी इज लिसनिंग, लिसनिंग के साथ हमेशा टू लगाए, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। यदि आपकी म्यूजिक सुनने की हॉबी है तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। या फिर आपकी लिसनिंग टू न्यूज, न्यूज सुनने की हॉबी है तो आप वो भी लिख सकते हैं माई हॉबी इज लिसनिंग टू न्यूज। तो टू मत हटाइए, कभी कभार गलती हो जाती है, ग्रामेटिकली मिस्टेक आपकी पकड़ी जाती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, सामने वाले का कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखें। ऐसे ही कुछ आप कह सकते हैं माई हॉबी इज रीडिंग। अब रीडिंग में आप बुक्स बता सकते हैं, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स, स्टोरीज, ड्रामास, ये भी कह सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं माई हॉबी इज प्लेइंग। प्लेइंग में आप जिस तरीके के जॉब के लिए जा रहे हैं उससे रिगार्डिंग जॉब आपका होना चाहिए। ऐसे ही हो सकती है माई हॉबी इज मीटिंग विद पीपल। और भी मेरे पास कुछ हॉबीज हैं जैसे ड्राइविंग, सिंगिंग, ये हॉबीज आप बड़े आराम से बता सकते हैं। सो माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग स्पोर्ट्स या प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग वॉलीबॉल, प्लेइंग हॉकी, ड्राइविंग कार या फिर राइडिंग ऑन बाइक, सिंगिंग सॉन्ग्स, पोएम्स, हिम्स, भजन गाने की मेरी आदत है। सो इट्स माई हॉबी। अब सपोज करिए कि आपकी हॉबी एक या दो है तो आप कह सकते हैं माई हॉबीज आर। तो यहां आपको क्या करना होगा, माई हॉबीज और इसकी जगह बता दीजिए आर, माई हॉबीज आर। और यहां क्या करते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग, यही आप ऐड कर सकते हैं, माई हॉबीज आर सिंगिंग एंड डांसिंग। अब यदि आप ऐसा बताना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, और आजकल यहाँ एक वर्ड और आप ऐड कर सकते हैं, आई लाइक। पूरी हॉबीज की जगह कह सकते हैं, हॉबी जहां बात आए तो कह सकते हैं आई लाइक। और लाइक से भी एक अच्छा वर्ड है आई लव, तो कह सकते हैं आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लाइक रीडिंग बुक्स, या कह सकते हैं आई लव प्लेइंग, आई लव ड्राइविंग, आई लव सिंगिंग एंड डांसिंग। इस तरीके से आप अपनी हॉबी बता सकते हैं। हॉबी के बाद आपको बहुत अच्छे से एंड करना आना चाहिए, और एंड में हम क्या करेंगे, नाइन्थ ऑप्शन हमारे पास एंड है। तो आप बड़े आराम से उनको बताइए दैट्स ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे, दैट्स ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन। जैसे आपने एंड किया तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको इतना ही बताना है। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और रियल में यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।